हेलो एवरीवन, सीमा अनिरुद्ध मॉम्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। आप यहाँ देख रहे हैं मैं ये आलू की सब्जी और पूरी आज बना के लेके आई हूँ। तो आज है संडे तो बच्चों का कुछ स्पेशल हो जाए, ये सुबह का नाश्ता में आप बनाइए पूरी और आलू की सब्जी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आटा लिया है और इसके अंदर मैंने डाला है कलौंजी आधी चम्मच, और एक चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर डाला है नमक, और नमक डालने के बाद में एक चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर मोयन के लिए घी डाल दिया है। अब हम इसके अंदर पानी डाल के आटे को हम थोड़ा सख्त ही गूँथेंगे, क्योंकि हमें इसे पूरी के लिए गूँथना है। अगर रोटी के लिए आप गूँथते तो आप थोड़ा सा नरम भी गूँथ सकते थे, लेकिन यहाँ पूरी के लिए है। तो अब यहाँ देख रहे हैं मैंने आलू लिया है, आलू को इस तरह आप मैश कर लीजिए। अब कढ़ाई में हम डाले हैं तेल, तेल गर्म हो गया तो उसके अंदर हम डाल देंगे पचफोरन, और पचफोरन वैसे मार्केट में बोलने से आपको मिल जाएगा तो किराने की दुकान में, तो आप यहाँ आधी चम्मच के करीब पचफोरन डाल दीजिए। जब वो चटक जाए तो आप डालिए इसके अंदर सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। यहाँ लिए हैं हम सूखे मसाले, जिसमें एक बड़ी चम्मच धनिया, और आप देख रहे हैं एक छोटी चम्मच गरम मसाला, एक छोटी चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर डाल दिया हल्दी, मिर्च पाउडर। इन सब को डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसे खूब अच्छे से मैंने ऐसे पानी में मिला दिया है, ताकि जब हम कढ़ाई में इसे डालें तो मसाले हमारे जले नहीं। तो यहाँ आप थोड़ा सा ही पानी डाल के इसे मिलाइएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कढ़ाई में मैंने उसे डाल दिया है, डाल के 5 मिनट तक खूब तेज़ आंच पे आप इसे भूनिएगा। जब ये बीच बीच में आपको देखे ना तेल के बुलबुला निकलने लग जाए तो इसका मतलब समझिए कि आपका मसाला भून गया है। मैंने यहाँ पे एक बड़ी चम्मच के करीब कस्तूरी मेथी डाला है। कस्तूरी मेथी जब आप सर्दियों में जब मेथी खूब सस्ती हो जाती है ना, उस वक्त आप मेथी को धो के खूब अच्छे से सुखा लीजिए, ये आपका वही कस्तूरी मेथी बन जाता है। तो इसे आप आलू की सब्जियों में डालिए तो इससे काफ़ी स्वाद आता है। तो यहाँ हम आलू को डाल के कुछ देर के लिए भूने हैं। भूनने के बाद में इस सब्जी में हमें पानी जो है थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रखना है, क्योंकि हमें 5-7 मिनट के करीब इसे खूब तेज़ आंच में सब्जी को पकाना है, ताकि ये हमारे आलू के अंदर खूब अच्छे से मसाले चले जाए। तो इसीलिए हमने इसमें पानी खूब थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसे 5-7 मिनट तक खूब तेज़ आंच पे पकाइए, और पकाने के बाद में फिर इसे धनिया की पत्तों से गार्निश कर लीजिए। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास धनिया की पत्ती नहीं है, तो आप अगर आपके पास में हो तो वो डालिए, उससे इसका स्वाद काफ़ी अच्छे से आता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मेरी सब्जी भी करीब करीब बन के हो गई है तैयार। अब हम कर देंगे गैस को बंद। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैं पूरी को बेल बेल के एक थाली के अंदर रखूँगी, और जब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाए तेल डाल के फिर हम एक एक करके इसे निकाल लेंगे। यहाँ मैंने एक डाला, उसे देख लिया कि हाँ मेरा तेल सही मात्रा में गर्म हो गया है। फिर मैं धीरे धीरे करके पूड़ी को तलना स्टार्ट कर दी। मैंने एक साथ कढ़ाई में ये 3 पूड़ी को डाल दी हूँ, और एक एक करके पलट के इसे थोड़ा सा लाल लाल थोड़ा सा क्रंची निकालिएगा, ताकि बच्चों को लाल लाल पूड़ी थोड़ा सा हो जाए और तो उन्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मेरी पूड़ियाँ खूब अच्छे से लाल लाल हो गई है। इस तरह करके एक एक करके मैं सारी पूड़ी को निकाल ली हूँ। तो अब इस तरह करके आप भी निकाल लीजिए, थोड़ा सा उसे लाल लाल होने दीजिए, और बाकी बच्चों को भी हम धीरे धीरे निकाल लेंगे। तो यहाँ पूरी का आटा थोड़ा सख्त ही रखिएगा, नरम अगर आटा हो जाता है तो आपकी को पूरी बेलने में काफ़ी दिक्कत आएगी, और वो सही ढंग से पूरी फूलता भी नहीं है। तो यहाँ मेरा करीब सभी पूड़ियों को मैंने निकाल लिया है, और मैंने ऐसे सजा दिया है, और बाउल के अंदर मैंने निकाल लिया है आलू की सब्जी, और यहाँ आप देख रहे हैं इसमें खूब रस वाली सब्जी है। तो चलिए मेरी बनके हो गई तैयार, अब टेस्ट करने का समय आ गया है। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। बच्चों को पूरा आलू की सब्जी और पूड़ी तो काफ़ी पसंद आता ही है। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो है, आप उनको जाके देखिए। मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।